सुबह के 5 बजने आ गए हैं, तो अभी सब नमाज पढ़ने से थोड़ा टाइम नहीं जाएंगे, तो मैं सोची कि शीर खुरमा अभी चढ़ा देती तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो फिर मुझे फिर लेट हो जाएगा। फिर रात से मैं भी सोई नहीं, स्कूल भी नहीं सोया, सब जा ही गए थे। तो मैंने सोची कि शीर खुरमा अभी बना लेती हूँ। ये फजर की अजान हो रही है, तो टाइम हो जाएगा तो मैं बना लेती हूँ। अभी सब बच्चे लोग के मैंने कपड़े आयरन करके रख दी हूँ, जुब्बा का अभी नमाज पढ़ने की तैयारी हो रही है। बाकी मैंने कपड़े भी आयरन कर दिए, इन लोग के कपड़े आयरन हो गए। देखिए कितना अच्छा ये फ्राई हो गया है, तो गोल गोल हो गया है ना मस्त। अब इसका मैं इसमें तड़का डाल दूंगी। मस्त तड़का लग गया ये। हो गई मेरी शीर खुरमा, मेरी शीर खुरमा तैयार हो गई है। तो दुबई में दोस्तों आज ईद का माहौल है, सब लोग नमाज पढ़ के सब आ गए हैं। आज फ्राइडे है यहाँ पे, और इंडिया में तो कल ईद है सैटरडे को, आज वहाँ पे आज रोज़ा रहेगा। तो हमारी तो आज इधर है, तो आज तो हमारी इधर हो गई है, और एक रोज़े भी कम हो गए, एक रोज़े रखने पड़ेंगे हम लोग को। 28 रोज़े हुए ना, क्योंकि इंडिया से हम लोग ने रोज़े रखे आए थे आधे रोज़े, यहाँ पर भी एक रोज़ा और रखना पड़ेगा, तो कम से कम 29 रोज़े हमारे होंगे। तो आज ईद का माहौल है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग भी कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, और सब एक दूसरे के सब गले मिल रहे हैं, सब नमाज पढ़ के आ चुके हैं और सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो हम भी देखते हैं आज कहीं शाम तक कहीं घूमने जाएंगे, तो आपको दिखाती हूँ।